हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे श्री कमलेश तिवारी। कल लखनऊ में उनकी हत्या हुई है। हत्यारे ऐसे लपर्क में थे, क्योंकि हत्यारे जिस रूप में आए थे और सुरक्षा गार्ड से पूछने के बाद सुरक्षा गार्ड से कह करके और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कमलेश तिवारी को पूछना कि लोग मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास भेज दीजिए। हत्यारे उनके पास बैठे, वहाँ चाय जलपान किया और उसके बाद जो कमलेश तिवारी के निजी सहायक थे और उनके पुत्र थे, उनको किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए उन्होंने बाहर मार्केट में भेजा और इसी दौरान उनकी निर्मम हत्या की है। ये दहशत पैदा करने की एक शरारत है। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में, शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इस मामले की पूरी विवेचना और इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको दे करके इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शाम को पुनः मैं इसकी समीक्षा भी करूंगा। लेकिन भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके परिवार के लोग आपसे मिलने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ। वे लोग भी मिलने के लिए आएंगे तो ज़रूर उन लोगों से मिलूँगा, और मुझे किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं।